हे दोस्तों, वेलकम बैक टू एमएस एक्सेल कोर्स पार्ट 29। एंड अभी आज अपन सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में इंसर्ट टैब में बाकी ऑप्शंस को। पिवट टेबल अभी अपना कंप्लीट हो गया है। अभी अपन देखने वाले हैं रिकमेंडेड पिवट टेबल टेबल एंड इलस्ट्रेशंस को। स्टार्ट करते हैं रिकमेंडेड पिवट टेबल से। तो अभी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे अपन एक अपना जो भी टेबल रहता है या जो भी अपना डेटा रहता है उसको सिलेक्ट करते हैं और फिर रिकमेंडेड पिवट टेबल्स में जाते हैं, तो उस डेटा से रिलेटेड जो जो पिवट टेबल्स बन सकते हैं उसका एक प्रीव्यू, और वो जो भी पिवट टेबल्स रहते हैं ऑटोमेटिकली जो एक्सेल बनाता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पे आपको शो होने लगते हैं और आप इनका यूज़ करके इनमें चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर चाहें तो यहीं से ब्लैंक पिवट टेबल भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये जो रिकमेंडेड पिवट टेबल है ये वर्क करता है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है टेबल्स की। अब टेबल में जैसे अपन एक टेबल क्रिएट करने जाते हैं, जैसे यही वाला एक पर्टिकुलर डेटा का अपन टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो माई टेबल है हेडर्स, इस ऑप्शन को ऑन रखना कंपलसरी होता है। और डेटा रेंज अपने आप सेलेक्ट अपन ने ऑलरेडी कर रखी है। अब अपन इसको ओके करेंगे। जैसे ओके करते हैं तो अपना जो भी एक प्रॉपर तरीके से टेबल डिजाइन रहता है वो आ जाता है। फिर अपन यहाँ पे जो भी टेबल स्टाइल्स देना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के साथ, अपन वैसा यहाँ पे उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे ये टेबल स्टाइल में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें आपको रो के लिए टोटल मिलता है, हेडर रो मिलता है मतलब हेडर जो रहता है उसके लिए आपको रोज मिलते हैं, एंड यहाँ पे आपको बैंडेड रोज, कुछ कुछ बैंडेड रोज भी मिलता है आपको। इसको सेलेक्ट करने पे आपको हेडर रो मिलती है, और हेडर रो के बाद आपको बैंडेड रोज मिलते हैं, बैंडेड रोज के साथ बैंडेड कॉलम्स भी नसीब होते हैं, लास्ट कॉलम भी मिलता है, फर्स्ट कॉलम मिलता है, फिल्टर बटन आपके पास, ये जो फिल्टर बटन है ये आपको मिल रहा होता है, और रो के टोटल वगैरह तो मिल रहे होते ही हैं। तो इस तरीके से भी ये जो चीज़ें हैं वो वर्क करती है। अगर आप कोई चेंजेस कर रहे हैं और ये डेटा किसी से लिंक किया तो आप इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। चाहे तो इस डेटा को आप शेयर पॉइंट लिस्ट पे जाके, या मतलब कोई भी अगर आपका कोई वेबसाइट है वहाँ पे आप इसको शेयर कर सकते हैं एकदम ईजिली। एंड अगर आप चाहें तो इसमें स्लाइसर भी इंसर्ट कर सकते हैं। स्लाइसर हमने देखा था कि कैसे एक फिल्टर की तरह ये चीज़ें वर्क करती है। इसमें इसमें जस्ट जैसे अपने को क्वांटिटी डालनी है और अपन इसको ओके कर देते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज यहाँ पे आ जाएंगी। फिर उसके बाद स्लाइसर के भी स्टाइल्स आ जाते हैं, स्लाइसर की सेटिंग्स आ जाती है। इस स्लाइसर को अपन डिफरेंट चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड पेन अलाइन हाइट कॉलम विड्थ बटन्स के हाइट बटन्स के विड्थ। फिर स्लाइसर सेटिंग्स में आके अपन इसके जो भी डिसेंडिंग है या उसके आइटम्स है उसको कैसे शो करना है वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे इसको शो कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस टेबल डिज़ाइन के थ्रू अपन डुप्लीकेट्स को रिमूव भी कर सकते हैं इजली। जस्ट आपने को इसमें जाना है, अनसेलेक्ट ऑल करना है, और कोई भी एक कॉलम जिसमें डुप्लीकेट्स अवेलेबल हो उसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। सपोज मैं इसको ले रहा हूँ ब्रांड एंड माई डेटा हेडर्स, तो यहाँ पे जितने मेरे डुप्लीकेट आइटम्स थे वो सारे डुप्लीकेट आइटम्स यहाँ से हट जाएंगे। टेबल के बाद नेक्स्ट चीज जो अपने एक्सेल में आती है वो है इलस्ट्रेशन टैब। अब इलस्ट्रेशन टैब में अगर आप 2016 या 2013 का वर्जन यूज करते हैं तो आपको आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। पिक्चर्स, शेप्स, आइकन्स, 3D मॉडल्स। 3D मॉडल्स के अंदर आप इस डिवाइस में जो 3D मॉडल्स उनको भी इनपुट कर सकते हैं, या जो स्टॉक में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के थ्रू आपको 3D मॉडल्स मिलते हैं उनको भी आप इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक स्मार्ट आर्ट मिल जाएगा और स्क्रीनशॉट में आपको एक स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन मिल जाता है। देखते हैं कि करके सबसे पहले अपन देखते हैं इंसर्ट पिक्चर को। इंसर्ट पिक्चर में जैसे ही अपन आते हैं तो अपना जो भी फोल्डर वगैरह रहता है, जो भी डेस्कटॉप वगैरह रहता है उसके थ्रू अपन यहाँ से कोई भी पर्टिकुलर पिक्चर इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। और इसको इंसर्ट करने के बाद अपन इसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, और जैसे मैंने इसको पुट किया तो अपन इसको बहुत सारे स्टाइल्स दे सकते हैं। जैसे कोई भी एक स्टाइल अगर अपन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टाइल्स भी दे सकते हैं। एंड स्टाइल्स को देने के बाद आप इसमें पिक्चर बॉर्डर दे सकते हैं, जो भी आपको बॉर्डर का कलर वगैरह रखते हैं वो दे सकते हैं। अगर आपको कोई इसमें लाइंस वगैरह प्रोवाइड करनी है तो वो आप कर सकते हैं, स्केचिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये कुछ कुछ ऑप्शंस जो न्यू आया है 2021 वर्जन में वो भी यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, स्केच एंड ऑल। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट्स देने मिल जाता है। प्रीसेट्स में आप बहुत सारे इफेक्ट्स दे सकते हैं, शेडोज में आप बहुत सारे इफेक्ट्स दे सकते हैं,
रिफ्लेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, ग्लो प्रोवाइड कर सकते हैं, सॉफ्ट एजेस दे सकते हैं, बीवल दे सकते हैं एंड 3D रोटेशन, कोई भी अपना पर्सपेक्टिव या ओब्लिक वगैरह आप दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसी को पिक्चर लेआउट के फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कलर। अगर आपको कोई सेचुरेटेड कलर चाहिए या कोई डिफरेंट कलर चाहिए, कोई डिफरेंट मोड में आपको चाहिए, कोई टोन चाहिए आपको, तो वो भी आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। पिक्चर कलर के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं और आपको बहुत सारे वेरिएशंस भी यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसको कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट्स भी यहाँ से दे सकते हैं। बहुत सारे आर्टिस्टिक इफेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। ट्रांसपेरेंसी, अगर आपको कुछ ट्रांसपेरेंट करना है, कुछ नॉन ट्रांसपेरेंट रखना है, तो वो भी आप देख सकते हैं। करेक्शंस, अगर आपको कोई करेक्शंस यहाँ पे शो करना है अपने हिसाब से, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट और ऐसा कुछ भी, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और रिमूव बैकग्राउंड के थ्रू आप कोई भी, अगर आपका इसका बैकग्राउंड है तो उस बैकग्राउंड को भी आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और इन सब के बाद पिक्चर को आप रीसेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कॉम्प्रेस कर सकते हैं, पिक्चर के लेआउट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। और आप चाहे तो इसमें क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हो, शेप के फॉर्म में क्रॉप कर सकते हो कोई भी। एंड अगर आपको कोई एस्पेक्ट रेशियो है उसमें क्रॉप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हो। हाइट एंड विड्थ को एडजस्ट कर सकते हो इसके थ्रू। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको एक पिक्चर फॉर्मेट में मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे इंसर्ट टैब में आती है, इलस्ट्रेशन टैब में शेप्स। अब पिक्चर्स में ये जो स्टॉक इमेजेस हैं और ऑनलाइन पिक्चर्स हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको अपने साइट से प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू भी आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है शेप्स। अगर आप चाहें तो कोई भी एक शेप यहाँ पे पुट करके उसको भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सपोज मैंने इस स्माइली को कुछ इस तरीके से पुट कर दिया, एंड नाउ अब मेरे को इसमें फॉर्मेटिंग करनी है। तो जैसे ये जो येलो वाला मार्क है ना, इसको मैं जैसे जैसे ऊपर नीचे करूँगा तो एक स्माइलिंग फेस अपने हिसाब से चेंज होता जाएगा। अगर मेरे को इसका कोई शेप फिल वगैरह देना है तो वो शेप फिल मैं दे सकता हूँ। अगर कोई ग्रेडियंट कलर मैं चाहता हूँ तो वो मैं दे सकता हूँ। कोई टेक्सचर अगर मैं देना चाहता हूँ तो वो मैं दे सकता हूँ। साथ में अगर इस शेप के अंदर कोई मेरे को पिक्चर इंसर्ट करनी है तो वो पिक्चर भी मैं अपने फाइल से स्टॉक इमेजेस के थ्रू या ऑनलाइन पिक्चर्स के थ्रू या किसी आइकन्स के थ्रू यहाँ पुट कर सकता हूँ। शेप आउटलाइन, अगर बाहर में मेरे को कोई आउटलाइन देना है तो वो मैं दे सकता हूँ। वेट्स के थ्रू लाइन्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं स्केच कर सकता हूँ आउटलाइंस में। डैशेस प्रोवाइड कर सकता हूँ, एरोस दे सकता हूँ। एरेस, एरोस एंड स्केच यहाँ पे थोड़ा सा नया है आई गेस, बाकी एक बार फिर भी आप देख सकते हैं 2016 वर्जन में भी अवेलेबल हो। शेप इफेक्ट्स में अगेन वही सारी चीज़ें जो आपको एक पिक्चर के लिए मिलती है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी शेप्स के लिए भी। एंड शेप्स के अगर अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट वगैरह डालते हैं तो उसके लिए आपको टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन एंड टेक्स्ट इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलता है। एंड उसको भी आप अपने हिसाब से अलाइन, रोटेट, साइज को छोटा बड़ा वो आप कर सकते हैं। और इसके अंदर में अगर आप चाहें तो टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट शेप्स। अब शेप्स के बाद अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पे, इलस्ट्रेशन टैब में। शेप्स के बाद आता है आइकन्स। अब ये आइकन्स न्यू है और इसके लिए इंटरनेट चाहिए, तो अपन इसको अभी ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है 3D मॉडल्स। अगर आपके डिवाइस में कोई भी 3D मॉडल अवेलेबल है तो उस 3D मॉडल को भी आप अपने एक्सेल शीट में पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के थ्रू आप कोई भी प्रोसेस, कोई भी साइकिल, कोई भी हायरार्की, कोई भी रिलेशन, उसको अपने चार्ट में, अपने फ्लो चार्ट के फॉर्म में पुट कर सकते हैं। सपोज मैं इसको पुट कर रहा हूँ नॉर्मली, एंड यहाँ पे जो भी मेरे को टेक्स्ट देना है तो वो टेक्स्ट मैं यहाँ पे फटाफट टाइप कर दूंगा। देन अगर मेरे को इसका कलर वगैरह चेंज करना है, कोई भी फेस वेस चेंज करना है, एक्सेंट्स चेंज करना है, तो वो एक्सेंस भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अगर मेरे को इसका लेआउट पसंद नहीं आ रहा, मेरे को कोई भी एक न्यू लेआउट चाहिए, तो वो लेआउट मैं चेंज कर सकता हूँ। और स्मार्ट आर्ट के भी अपने अपने स्टाइल्स होते हैं, उन स्टाइल्स को भी मैं यहाँ पे अप्लाई करके देख सकता हूँ। नेक्स्ट है कि अगर अपन चाहें तो इसको राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन और इस तरीके से मूव भी कर सकते हैं। अपन ने जो ग्राफिक्स अप्लाई किया है उसको अपन रीसेट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अपन इनको शेप्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपने को कोई बुलेट्स वगैरह ऐड करना है किसी पॉइंट के अंदर, और सब पॉइंट्स ऐड करने हैं, तो वो बुलेट्स भी अपन ऐड कर सकते हैं। इसी में अगर अपन चाहें तो अपन शेप्स को भी ऐड कर सकते हैं, आफ्टर या बिफोर वो आप देख लेंगे। एंड टेक्स्ट पेन तो है ही जो इसके अंदर में अवेलेबल हो रहा है। अगर आपको इसको फॉर्मेट करना है तो आप बहुत सारे शेप के स्टाइल्स को दे सकते हो यहाँ से, कलर वलर दे सकते हो,
शेप फिल दे सकते हो। शेप फिल में भी अगेन आपको पिक्चर, ग्रेडियंट एंड टेक्सचर जो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल हो रही थी एक पर्टिकुलर शेप के लिए, वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। एंड शेप की आउटलाइन और साथ ही साथ शेप शेप के इफेक्ट्स। फिर अगर आपको चेंज शेप को चेंज करना है तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बड़ा छोटा करना है वो आप कर सकते हैं। अंदर में जो टेक्स्ट है उसके टेक्स्ट फिल को, टेक्स्ट के आउटलाइंस को, टेक्स्ट के इफेक्ट्स को, अलाइन को, ग्रुप को, रोटेट को। ग्रुप मीन्स अगर आप कोई पिक्चर वगैरह पुट कर रहे हैं और उन सारे पिक्चर्स को, टेक्स्ट को एक साथ आपको एक ही जगह पे अलाइन करनी है अंदर में, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, साइज, हाइट, विड्थ, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इलस्ट्रेशंस में आता है। पिक्चर्स में एक चीज मैं बताना भूल गया, सपोज आप कोई दो पिक्चर्स पुट कर रहे हो। सपोज मैंने यहाँ पे पुट किया एक एडवर्टाइजिंग का ये वाला पिक्चर, ये मैंने पुट कर दिया कुछ इस तरीके से। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एंड ये मैंने पुट किया और इसके ऊपर में पुट करने के लिए मैंने इलस्ट्रेशन में गया, पिक्चर्स में गया, दिस डिवाइस किया और मैंने सपोज ये वाला एक पिक्चर, एक ग्राफ ले लिया। अब इस ग्राफ के अंदर में या साथ ही में मेरे को इस पर्टिकुलर जो मेरा पिक्चर है उसको पुट करना है, तो मेरे को क्या करना, मेरे को इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है। अब जैसे ये फ्रंट में आ गया है और तो मैं क्या करूँगा, इस पिक्चर पे राइट क्लिक करूँगा एंड इसको और इसको फ्रंट में ब्रिंग करने के बाद अपने को जस्ट इस ग्रुप ऑप्शन में जाना है एंड दोनों भी पिक्चर्स को ग्रुप कर देना है। अब ग्रुप करने के बाद जैसे अपन एक पर्टिकुलर पिक्चर को मूव करते हैं तो साथ में जो पिक्चर अपन ने ग्रुप की है वो भी उसी के साथ मूव करेंगी। ठीक है, अगर अपने को इसको अनग्रुप करना है तो जस्ट अपन इसमें जाके अनग्रुप कर देंगे एंड ये दोनों भी पिक्चर्स अपने हिसाब से अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, तरीके से पूरा का पूरा इंसर्ट टैब में जो दो ऑप्शंस थे वो वर्क करते हैं, दैट इज इंसर्ट में इलस्ट्रेशंस एंड रिकमेंडेड टेबल्स एंड टेबल। नेक्स्ट अपन देखेंगे बाद में एडेंस को, और एडेंस को बताने से पहले स्क्रीनशॉट में मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, स्क्रीन क्लिपिंग। अब स्क्रीन क्लिपिंग में जैसे मान लो आपको एक पर्टिकुलर इतने एरिया का पिक्चर चाहिए था, तो आपने इस एरिया को क्लिप किया और ये एरिया यहाँ पे कॉपी होके आ गया। ठीक है, बट अगर आपको अपने एक्सेल शीट के कोई एरिया इस तरीके से क्लिप चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत क्विक रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए आपको स्क्रीन क्लिपिंग में जाना है। एंड स्क्रीन क्लिपिंग में जाने के बाद इस वाइट स्क्रीन के आने से पहले अपना जो एक्सेल टैब है, ये जो एक्सेल का टैब है इसको ओपन कर लेना है। और मैं गया इलस्ट्रेशंस में, स्क्रीनशॉट में एंड स्क्रीन क्लिपिंग में। अब वाइड स्क्रीन के आने से पहले मैंने एक्सेल खोल लिया, तो अब मैं जो भी यहाँ पे से क्लिप करना चाहता हूँ, जो भी डेटा मैं यहाँ से उठाना चाहता हूँ, वो डेटा मैं इस तरीके से यहाँ से निकाल सकता हूँ। एंड ओके करते ही, मतलब जूम करते ही, ये देखिए ये डेटा मेरे पास यहाँ पे आके अवेलेबल हो चुका है। और अब मैं चाहूँ तो इसको भी अगेन जो भी मेरा पिक्चर रहता है उस वे में मैं इसको फॉर्मेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से भी जो अपनी चीजें हैं, जो अपना स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन है वो वर्क करता है और बेनिफिशियल हो सकता है अगर आपने को कोई एक पर्टिकुलर डेटा किसी क्लाइंट वगैरह को भेजना है तो। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी सारी चीजें थी एक इलस्ट्रेशन टैब की, इंसर्ट टैब में एंड टेबल्स टैब की, वो मैंने आपको बता दिए। बाकी ऑप्शन सीखेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।